समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी जो 4 माह में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलहार बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े उखाड़कर बांध दिए। माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलहार कर ले। जहाँ पानी मिला वही माँ फलहार करने बैठ गई तो पोपड़े फलहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के पहर में सावन मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, तुम कौन हो? मैं सावन हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने सावन में महादेव जी का पूजन किया, भील पत्र चढ़ाकर अभिषेक कर कीर्तन किया। जाते समय सावन मास ने बुढ़िया माई की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बना या कजरी तीज मनाई। भादवा भी जाते समय लात मारा तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आसोत का महीना आया, उसने भी बुढ़िया माई को दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, तर्पण कर श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन करवाया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना करी। दशहरा मनाया, उसने भी लात मारी तो तीसरी दीवार सोने की हो गई। इस सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, कार्तिक स्नान, भजन, पूजन, व्रत किया, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नौमी करी। उसने भी जाते समय लात मारी तो बुढ़िया माई की झोपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया माई खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन करती। चातुर्थ मास पूरा होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका। वहाँ तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गए। उसने आसपास वालों से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ अब घर चलो और सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर ले आया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हुई और उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को अपने पति से कहा। वह भी अपनी सास को पुष्कर छोड़कर आ गया। सावन, भादवा, आसोत, कार्तिक सभी मास आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह 4 समय खाती और दिन भर सोती रहती। चातुर्थ मास के जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गधी की योनि में होना पड़ा। 4 मास पूर्ण होने पर जमाई जब अपनी सास को लेने वहाँ गया तो उसे न तो सास दिखाई दी और न ही झोपड़ी। तब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म तो कुछ भी नहीं करती, खाती और सोती, जिससे वो गधी हो गई है। सास ने भी अपने जमाई को देखा तो वह भी भोगते भोगते सामने आ गई। तब जमाई ने
सास को गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर ले आया। उसकी औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो उसने बताया कि गाड़ी के पीछे बंदी है, जिसकी जैसी करनी मेरी माँ भोली थी, तुन्हें फलाहार की जगह जमीन के पापड़े उखाड़कर बांध दिए, तो वो भी भगवान की कृपा से फलाहार बन गए। तब उसकी औरत बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछें कि मेरी माँ की मनुष्य योनि कैसे वापस आएगी। ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करे उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दो, तो यह योनि छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में वापस आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे तुमने लड़के की माँ को दिया, वैसे सबको देना, सबका भला करना। तो बोलो, राई दामोदर भगवान की जय हो।